जुजुत्सु काइजन सीजन 2 6 जुलाई को आने वाला और सीजन 2 में क्या क्या होगा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। जब जेजेके का सीजन 1 आया था तब चारों तरफ गोजो गोजो हो गया था, इसलिए सीजन 2 स्टार्ट करेगा गोजो के पास्ट से। हाँ, इस सीजन में दो आर्क आने वाला और दोनों आर्क बहुत फालू होगा। और इस वीडियो में बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं होगा तो रिलैक्स होके देखना। हाँ, तो सीजन 2 में जो पहला आर्क दिखाएगा हमें वो होगा गोजो पास्ट आर्क, जो कि पहले 6-7 एपिसोड तक चलेगा। इसमें हमें गोजो का पास्ट दिखाएगा जब वो सेकेंड ईयर में था, एंड इसी के साथ साथ गेटो कैसे विलेन बना, मैगुमी के डैड कौन थे, और गोजो का एक बहुत ही शानदार फाइट जो कि एनिमेशन में बहुत ही मस्त लगने वाला है। एंड इसके बाद पूरा शो फोकस करेगा शिबुया इंसिडेंट आर्क पे, जो कि दूसरा आर्क है। एंड इस आर्क में बहुत ही शानदार फाइट, कुछ रोने वाले सीन, बहुत ही ज्यादा रोने वाले सीन, और गेटो जिंदा कैसे है वो देखने को मिलेगा हमें। हाँ, अगर तुम लोग जेजेके जीरो मूवी देखे हो तो उसमें गोजो गेटो को मार दिया था, लेकिन जेजेके सीजन 1 में गेटो जिंदा था, वो कैसे इसका पर्दाफाश होगा इस सीजन में। और ना तुम्हें पता है ना जेजेके जीरो का स्टोरी जेजेके सीजन 1 से पहले का। हाँ, मैं जो बहुत धमाकेदार एक्शन की बात कर रहा था, इस सीजन में हमें इतादोरी देखने को मिलेगा एक्शन में, एंड अपना सुकुना फाइट करते हुए दिखेगा। बट इन सबको साइड रख दो, इसमें हमें नानामी दिखेगा फाइट करते हुए। मैं नानामी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें एनिमे आने के बाद पता चलेगा। बता दूं क्या? खैर रहने दो। हाँ देखो, फाइट देखने में हमें तभी मजा आता है जब विलन तगड़ा हो, और हमें इस आर्क में महितो का पूरा स्ट्रेंथ दिखने वाला है। वो अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करेगा फाइट में, जो कि डेफिनेटली बहुत इंटेंस होगा। लेकिन सीजन 2 को लेके मैं इतना एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन एक चीज का डर भी है। देखो, सीजन 1 में मांगा के 63 चैप्टर्स खत्म हुए थे और टोटल 24 एपिसोड्स थे, तो उन्होंने एवरेज 2.6 चैप्टर पर एपिसोड कवर किया था। लेकिन सीजन 2 में एक चीज का डर है। देखो, मैं गूगल किया सीजन 2 में कितने एपिसोड होंगे, तो कहीं पे 23 एपिसोड दिखा रहे हैं, कहीं पे 24 और कहीं 26, तो आई एम नॉट श्योर टोटल कितने एपिसोड होंगे। लेकिन इस सीजन में चैप्टर ज्यादा कवर करने वाले हैं पिछले सीजन के मुकाबले। हाँ, पिछले सीजन 63 चैप्टर्स थे, इस सीजन 71 चैप्टर एनिमेट कर रहे हैं ये लोग। अब देखो, अगर 26 एपिसोड होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लगभग 2.7 चैप्टर एनिमेट होगा, ये लगभग सेम ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 23 या 24 चैप्टर हुआ फिर थोड़ा सा फास्ट पेसिंग चल सकता है एनिमे। अब देखो, और किसी एनिमे में कितना चैप्टर एनिमेट करते एक एपिसोड में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन डेमन स्लेयर के सीजन 1 में 26 एपिसोड था और उसमें सिर्फ 54 चैप्टर एनिमेट हुआ था। वेल, ऐसे उसका सीजन 1 थोड़ा स्लो फील होता भी है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, अच्छा एनिमेट कर दे सीजन 2 जेजेके का, क्योंकि इसमें फारू फारू चीज होने वाला है। और हां, मैं पूरे वीडियो के बीच में एक चीज तो भूल ही गया, सब्सक्राइब की भीख ही नहीं मांगी मैंने, सब्सक्राइब अभी करो। वेल, अगर आपको नारुतो हिंदी में देखना है तो आप ये वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हैं। और और हाँ, अगर आपको प्यास लगा है तो नीचे कमेंट करो, वो बुझा देगी। कौन क्या बुझा रही है? पापा मजाक कर रहा था यार।